राजस्थान में आज भजनलाल मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। भाजपा आलाकमान ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर अब मंत्रिमंडल विस्तार में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी वो नेता हैं जो विधानसभा चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने एक अलग ही इतिहास रचा है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 प्रदेश की 200 में से 199 सीटों पर जो है वो चुनाव हुआ था, क्योंकि श्रीगंगानगर जिले की करणपुर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमित सिंह खुन्नर का निधन हो गया था, जिसके कारण यहां का चुनाव टाल दिया गया। अब 5 जनवरी 2024 को करणपुर सीट पर उपचुनाव होना है। 8 जनवरी 2024 को इस चुनाव परिणाम जो है उसका घोषित किया जाएगा। भाजपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इधर उपचुनाव से पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो है वो भाजपा ने उनको भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री बना दिया है। अब अगर बात की जाए कि आखिर सुरेंद्र पाल सिंह कितने बड़े नेता हैं, तो बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी भाजपा के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। सन 1994 में कैबिनेट रैंक के साथ राजस्थान वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष रहे हैं। भजन लाल शर्मा सरकार में राज्य मंत्री बनने में पहले साल जो है वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर 2003 से 2008 तक रहे हैं। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री 2013 से 2018 के रूप में उन्होंने कार्य किया है। राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया, यानी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि भाजपा ने उनको मंत्री बनाकर करणपुर के मतदाताओं का सम्मान किया है। बड़ी बात है कि एक तरफ हिस्ट्री चेंज हो रही है कि जो व्यक्ति विधायकी तक नहीं लड़ा अभी तक, पहले लड़ चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार की बात की जा रही है कि इस बार के चुनाव में आकस्मिक निधन के कारण वो प्रत्याशी थे, चूँकि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन हो गया था, इसकी वजह से उस सीट पर चुनाव ही नहीं हुआ। अब 5 जनवरी को चुनाव होना है और 8 जनवरी को उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये मंत्री के रूप में कार्य करने में सही रहेंगे, क्योंकि जब तक वो चुनाव जीत नहीं जाते तब तक उनका पद जो है वो 6 महीने तक के लिए एटलीस्ट उनको चुनाव जीत के आना पड़ेगा, यानी 6 महीने के अंदर। सवाल है क्या वो चुनाव जीत पाएंगे। और माना जाता है वैसे भी जिसकी सरकार रहती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक आपने सुना होगा कहावत। और ऐसे में टीटी को मंत्री बनाकर एक बार फिर से बीजेपी ने सबको चौंकाया है कि जिनको चुनाव अभी तक नहीं लड़ा गया था इस बार वो मंत्री पद पा चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है वो रेस में थे, हालांकि बीजेपी ने 2024 की जो रणनीति है उसके तहत ही अपने लोगों को मंत्री का पद सौंपा है। अब ये लोग 24 के लिए बीजेपी की रणनीति पर काम करेंगे और राजस्थान से सीटें लेकर आएंगे। बड़ा सवाल है कि इतने मंत्री और इतने संतरी जो बनाए गए हैं वो क्या 24 में बीजेपी के लिए जीत का जो एक मंत्र वो दे रही है बीजेपी, क्या वो कामयाब होंगे इस चीज़ में। क्योंकि 31 मतलब मुख्यमंत्री के साथ अगर बात की जाए तो कैबिनेट में कुल 31 मंत्री शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री को लेकर। अब आप जानते होंगे कि 2 उपमुख्यमंत्री हैं और 1 मंत्री हैं, इसके अलावा अब 28 मंत्री चाहिए। हालांकि आज 22 लोगों ने शपथ ली है और 3 ये मिला दिया जाए तो टोटल 25 लोगों की एक सीमा होती है। आखिरकार अभी तक 6 लोगों का और इंतजार है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में वो 6 लोग कौन से होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।